नहीं ओबी, मेरी गाजर और भी बड़ी होगी, तुम देखना। ये जरूर होगी, मुझे पता है मेरी गाजर तुम्हारी वाली से ज्यादा बड़ी होगी। अरे अरे बस करो दोस्तों। तुम्हें यकीन है? जिसकी गाजर ज्यादा बड़ी होगी वो दूसरी वाली भी रख लेगा, मैं ही जीतूंगा। ओबी, बहुत बढ़िया, अब बस हमें इन्हें पानी देना है। उप्स। अब ताकि पौधा ताकतवर हो हमें चाहिए खाद, पर जरा सी डालेंगे, ठीक है? गाजर जल्दी जल्दी उग जाओ ना। अब हम कल आकर इन्हें चेक करेंगे। चलो दोस्तों, अब अंधेरा हो रहा है। हाँ? अरे वो आवाज कैसी थी? हाँ? ये अजीब है, मुझे लगा मैंने कुछ सुना। जरूर वो एक सपना होगा। गाजर देखने का समय हो गया। ओ मेरी गाजर, अब तक तो तुम बहुत बड़ी हो गई होगी। जोजे, ऐसा लग रहा है कि ओबी ने तुम्हें हरा दिया। क्या? पर ये कैसे जीत गया? मैंने तो इतने अच्छे से ध्यान रखा था। उसने भी अपनी गाजर का ध्यान रखा था जोजे, अब समय है कटाई का। देखो ओबी की गाजर के पत्ते बहुत बड़े थे, पर ओबी की गाजर बहुत छोटी है। तुमने सही कहा जोजे, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अरे वो क्या है? ये तो खाद है। ओबी तुमने चीटिंग की, बहुत बुरी बात है, अब तुम्हें गाजर नहीं मिलेगी। जोजे देखो, उसे पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं ओबी, गलतियां सबसे होती हैं,
पर हम इसे बांट सकते हैं। वादा करो तुम अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। गैस करो कि आज किसका बर्थडे है। वो शुरू होता है जोजे से और खत्म होता है कैमिलोन पे। किसका बर्थडे है? मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे याद है। तुम्हारा केक ओवन में है। बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट होगा। अब तुम कितने साल के हो गए? 1 साल से ज्यादा और 1000 से कम। और तुम अपनी बर्थडे पार्टी के लिए क्या चाहते हो? इस साल मैं चाहता हूँ कि एक कैंडी से भरा गुब्बारा ऊपर लटका हो, फिर मैं उसे फोड़ूंगा और कैंडी की बारिश होगी। मुझे तो बस गुब्बारे में भरने के लिए कैंडी तैयार करनी है। अब हमें इन्हें गुब्बारे के अंदर भरना है। आराम से, पहले मुझे इन्हें चखने दो। बहुत स्वादिष्ट है। मैं गुब्बारे को भरने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक तुम गुब्बारे भरते हो, मैं केक पर नजर रखता हूँ ताकि वो जल ना जाए। अच्छा आइडिया है। ये बहुत छोटा लग रहा है, इसमें और हवा भरनी चाहिए। काफी ज्यादा। वाह, कितना सुंदर है। तुम यहीं रुको गुब्बारे। मेरे कैंडी के गुब्बारे, वापिस आ जाओ। अरे नहीं, मुझे पता है, कैंडी के गुब्बारे, मैं आ रहा हूँ। नहीं टहनी, ऐसा मत करो, हिम्मत रखो। मैंने पकड़ लिया। अब क्या करूं? जोजे, तुम्हारा केक तैयार है, चलो पार्टी शुरू करते हैं। अरे नहीं, बस यही बाकी था। अब मेरे पास कैंडी का गुब्बारा तो है पर केक नहीं है, मदद करो। ये तो अजीब है, ये आसमान में क्या है? क्या वो कोई पक्षी है या कोई प्लेन? नहीं, ये तो जोजे कैमिलोन है। क्या ये तुम हो जोजे? हाँ ये मैं हूँ, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। आराम से, मैं कुछ सोचता हूँ। जोजे पकड़े रहना। पकड़ लिया जोजे। हैप्पी बर्थडे जोजे।
ठंडी की बारिश, ये तो आज तक की बेस्ट पार्टी है। जोजे, तुम क्या कर रहे हो? मैं कैरेट उगा रहा हूँ ताकि मैं एक स्वादिष्ट कैरेट केक बना पाऊँ, पर बुरी बात यह है कि इन्हें उगने में बहुत समय लगता है। थोड़ा सब्र करो, हर छोटे पौधे को उगने में समय लगता है। क्या हुआ जोजे? यहाँ पर कुछ है। देखो मुझे क्या मिला। वाह, ये तो संदूक है। क्या ये खजाना हो सकता है? एक खजाना, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कैंडीज। चलो पता लगाएं। अरे नहीं, ये खुल नहीं रहा। इसको अंदर ले जाकर खोलने की कोशिश करते हैं। कमाल हो गया, ये काम कर गया। इसके अंदर क्या है? खजाना? इसमें तो सिर्फ एक नोटबुक और एक पेंसिल है। एक विश नोटबुक। तुम्हारी विश पूरी होगी, तुम्हें मिलती हैं 3 विशेस। सिर्फ इमरजेंसीज में ही इस्तेमाल करें। वाह, मैं तो हमेशा से यही चाहता था। अब केक बनाने के लिए कैरेट्स के पूरी तरह उगने का इंतजार नहीं करना होगा। जोजे, इसमें लिखा है कि नोटबुक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाना चाहिए। कैरेट केक भी तो इमरजेंसी है। मैं अपनी विश ड्रॉ करूंगा, फिर इस नोटबुक को दूर रख दूंगा। अरे वाह, कैरेट केक बन गया। ये बिल्कुल मेरी ड्राइंग जैसा है और इसका स्वाद है कुछ भी नहीं। ये तो अजीब बात है, जरा मुझे चखने दो। याक, नोटबुक ने तो गड़बड़ कर दी। इसने ड्राइंग की तरह एक खूबसूरत केक तो बना दिया, मगर स्वाद को भूल ही गई। अगर तुम अपना खुद का केक बनाओगे तो बेहतर रहेगा जोजे। सही कहा, ऐसा बेस्वाद केक तो किसी को भी नहीं चखना चाहिए, इसीलिए मैं अब ये बनाऊंगा। बनाओगे? मुझे लगा तुम कैरेट्स के उगने का इंतजार करने वाले हो। मैं उनके उगने का इंतजार करूंगा, पर ज्यादा देर तक नहीं। टाटा। और अब कैरेट्स कहाँ हैं? ये क्या है? जोजे, ये कैरेट्स नहीं, ये तो मेगा कैरेट्स हैं। नोटबुक समझ नहीं पाई कि मुझे क्या चाहिए, और अब मेरे पास पूरी जिंदगी के लिए कैरेट्स हैं। ये मुझे करने दो। जोजे, ये कैरेट्स तो घर को नीचे गिरा देंगी। बस यही बाकी था, मुझे सिर्फ कैरेट केक चाहिए था और मुझे कैरेट वाला घर मिल गया। हमें जल्दी करना होगा, इन्हें बाहर निकालना होगा। मुझे लग ही रहा था कि नोटबुक में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें अपनी विशेस मिटानी होंगी। विशेस मिटानी होंगी? मुझे पता है। तुमने क्या बनाया जोजे? कहीं इससे कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। एक इरेजर। उम्मीद है ये काम करेगा। Yes!
जोजे ये काम कर गया। क्या कोई कैरेट्स बची हैं? अरे वाह, इंतजार का फल मीठा होता है। जोजे, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं कुछ खाने आया था। मैं सोना चाहता हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें नींद आ जाएगी। बढ़िया, मुझे कहानी पसंद है, मैं तैयार हूँ। क्या तुम्हें कोई मजेदार कहानी मिली? सुबह होने ही वाली है और मैं अभी तक जाग रहा हूँ। मिल गई, ये एक अच्छी कहानी है। एक बार एक राजा था जो बहुत दूर एक किले में खजाना ढूंढने गया, पर उस किले में एक मॉन्स्टर रहता था। राजा उस मॉन्स्टर से लड़कर जीता और किले के अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बड़ा सा संदूक था। राजा ने उसे खोला और उसे खजाना मिल गया। वाह, बढ़िया खाना। जोजे, वो खाना नहीं, सोना था। सोना? कितनी बोरिंग कहानी है। जब खाना मिल रहा हो तो सोना किसे चाहिए? अगली कहानी। शायद इस कहानी से तुम्हें नींद आ जाए। एक बार की बात है, एक रहस्यमय घर था। लोग कहते थे कि वो जादुई था। एक दिन एक लड़के ने उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो अंदर गया, उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने जांच पड़ताल शुरू की, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां एक भूत था जो बुरी चीजें करता था। वो भूत मेरा सारा खाना खा जाएगा। शांत रहो, वो ऐसा नहीं करेगा। पर अभी तो तुमने कहा कि वो बुरी चीजें करता है। अब मैं पूरी तरह जाग गया हूँ। इससे कोशिश करते हैं, शायद तुम्हें ये पसंद आए। एक बार एक किसान था, उसके पास कुछ जादुई बीन्स थी, जिनमें से निकला एक बड़ा सा पेड़। वो उस पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे बड़ा रक्षक मिला। वो, वो, वो। वो बड़ी बीन कहाँ है? जोजे, वहां बड़ी बीन नहीं थी, वहां था बड़ा रक्षक। बढ़िया, पर मुझे अभी भी नींद नहीं आई। और कोई कहानी है? पर अब मुझे नींद आ रही है। ये आखिरी कहानी होगी और अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था जो सोना चाहता था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। खैर, ये एक बोरिंग कहानी है। और रात को उसके पास कोई काम भी नहीं था। सूरज भी सो चुका था और हर तरफ शांति थी, और इसीलिए वो थक गया, बहुत ज्यादा थक गया, और उसे नींद आ गई। जोजे को बोरिंग कहानियों से ही नींद आती है,
गुड नाइट जोजे। वाह, कितनी गर्मी है। मैं आइसक्रीम बनाना चाहता हूँ, पर इस मौसम में आइसक्रीम का टावर बनाना पड़ेगा। अच्छा आइडिया है जोजे। शुरू करने के लिए मैं ब्लेंडर लेके आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ देखो। एक आइसक्रीम मेकर ये 2 सेकंड में जमा देता है, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 सेकंड में? अजीब बात है, ये नामुमकिन लगता है। आइसक्रीम ना खाना नामुमकिन है। बस फलों को यहाँ अंदर रख दो और हमारे पास बहुत सारी आइसक्रीम होगी। टाडा। अरे नहीं, आइसक्रीम जूस। मुझे नहीं लगता ये मशीन सही काम करती है। हाँ करती है, बस इसे थोड़ी और ताकत चाहिए। मैं इसमें आइस क्यूब डालता हूँ। अब इस मशीन से आइसक्रीम पूरी तरह जमी हुई निकलेगी। ओह जोजे, ये तो बहुत ज्यादा जम रही है। ये तुम्हारे लिए। क्यों ना हम अपनी आइसक्रीम खुद बनाएं? खुद बनाने में ज्यादा मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं, लगता है इसे और बर्फ चाहिए। इस बार मैं बहुत ज्यादा डालूंगा और अब ये जम जाएगी। लगता है ये काम करेगा। ये आइसक्रीम टावर। ओह जोजे, ये तो कुल्फी जैसी लग रही है। कोई बात नहीं, हम इसे फिर भी खा सकते हैं। ये अटक गई जोजे। आय आय, मदद करो। रुको। ये 2 सेकंड्स में जमा देती है, ये तो मुसीबत बन गई। खैर जोजे, लगता है हमें आइसक्रीम को भूल जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने मशीन को तो छोड़ दिया, पर मैं आइसक्रीम को नहीं छोड़ूंगा। पर तुम करोगे क्या? मैं किसी को जानता हूँ जो इस मशीन से कहीं बेहतर आइसक्रीम बना सकता है। पर कौन? मैं। ठीक है जोजे, थोड़े और फल लाते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो।
मुझे मेरा आइसक्रीम टावर बहुत पसंद आया। अब सबसे जरूरी चीज बाकी है। वो क्या है? इसे खाना। अब स्वादिष्ट इंतजार का फल मीठा होता है। अब आप